हेलो फ्रेंड्स नाउ वी स्टार्ट द अर्थ सिस्टम अर्थ सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं अर्थ क्या है अर्थ जो है वो थर्ड प्लानट है सन का जो वीनस और मार्स के बीच में पाया जाता है अर्थ की बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं करेक्ट्रिस्टिक्स हैं कंपोजिशंस हैं जो अर्थ को और प्लेनेट से अलग करती है एवरी ऑफ़ दीज प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स इन अर्थ सिस्टम आर लार्जर लार्जली कैटेगराइज इंटू फोर मेजर सब सिस्टम्स इन्हीं अर्थ में चार कैटेगरी जो है सब सिस्टम में पाई जाती हैं इसी के कारण ही अर्थ दूसरे प्लैनट से अलग दिखाई देती है ये चार प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फर्स्ट इज़ द वाटर सेकंड इज़ द लिविंग थिंग्स थर्ड इज़ द लैंड एंड द एयर इज तो ये चारों जो कैटेगरीज हैं बायो ये अर्थ की ये सारे मिल कर के कहलाती है अर्थ की यूनिक और वंडर प्रॉपर्टीज़ ये फोर इंटरलॉकिंग जो वंडर्स हैं वो क्रिएट करते हैं अर्थ की डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम को इकोलॉजी को ये सभी प्राइमरली ग्रुप्ड इन टू बायोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं लिविंग थिंग्स फिजिकल हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कारण ही अर्थ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है या गुण पाया जाते हैं। दीज फोर वंडर्स ऑफ द अर्थ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड हैव बीन यूज टू मेक द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इजीली कंपेरिडिम्बल इसी कारण से अर्थ की जो स्टडी है वो बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट की हम इजीली कर सकते हैं ये साइंटिफिकली जो बायोफिजिकल एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोसफियर जो कि हाइड्रो शब्द जो आया है वो वाटर के लिए आता है बायोसफियर में बायो शब्द जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है लिथोसफियर लैंड के लिए एटमोसफियर एयर के लिए हम कैटेगराइज या नेम करते हैं दीज़ सफियर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू वेरियस सब सफियर्स तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया अर्थ जो है वो सन का थ्री थर्ड प्लैनेट है डेंसेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम फोर टेरिस्ट्रियल प्लानट्स एंड द ओनली एस्ट्रानिकल ऑब्जेक्ट नॉन टू हार्बर लाइफ और इसकी यदि हम रेडियोमीट्रिक डेटिंग की अर्थ की अकॉर्डिंग टू रेडियोमीट्रिक डेटिंग एंड अदर सोर्स ऑफ एविडेंस अर्थ फॉर्म्ड अबाउट फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयरस एगो अर्थ ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एसेप्सली द सन एंड द मून अब हम इसके कंटेक्ट content, कंटेंट्स देखते हैं फोर डिफरेंट सफियर ऑफ द अर्थ हाइड्रोसफियर वाटर के लिए बायोसफियर लिविंग थिंग्स के लिए लिथोसफियर लैंड के लिए और एटमोसफियर एयर के लिए तो आज अब स्टार्ट करते हैं सफियर ऑफ द अर्थ जो हम अंडरस्टैंड करेंगे हाइड्रोसफियर फर्स्ट करेंगे वाटर के लिए आता है हाइड्रोसफियर में हम वो सभी चीज़ें स्टडी करेंगे जो पानी से बनती है चाहे वो गैस हो हाइड्रोसफियर में चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो पानी का कोई भी रूप हो वो हाइड्रोसोफियर में स्टडी uh, किया जाएगा और इस प्लानट में जो पाया जाता है इस प्लानट अर्थ पे पाया जाता है द हाइड्रोसफियर है यदि हम उसको देखें कहाँ कहाँ मिलेगा तो अर्थ की सरफेस से लेकर डाउनवर्ड नीचे लिथोसफियर में जाएं कई माइल्स तक वहाँ भी प्राप्त होगा आपको वाटर और यदि हम इसके क्रस्ट पर जाएं और एटमॉस्फेयर में जाएं ऊपर माइल्स तक तो वहाँ भी आपको वाटर अवेलेबल होगा मोस्ट ऑफ द वाटर इन द एटमोस्फियर इज इन गैसियस तो यदि हम एटमोसफियर में जाएँ तो वहाँ गैस के रूप में मिलेगा एंड इज राइज इन टू हायर इंटू द एटमोस्फियर इट कंडेंसेज टू फॉर्म क्लाउड्स एंड फॉल बैक ऑन अर्थ हैज ए प्रेसिपटेशन सिंपल है ये हम सब छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि ये सब अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर में जो है क्लाउड्स कैसे बनते हैं और फिर वो ये पानी है फॉल बैक प्रेसिपिटेट होकर के वापस अर्थ पे आता है ऑल द वाटर इन द हाइड्रोसफियर इज ऑलवेज इन मोशन जस्ट लाइक द एटमॉस्फेरिक गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस की तरह ही जो हाइड्रोसफियर में वाटर है वो भी एक मोशन में रहता है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता रहता है

हाइड्रोसुफियर uh, में अर्थ uh, किस रूप में मिलेगा तो रिवर के रूप में स्ट्रीम्स में लेक्स में सीज में ओशियंस में और वाटर वेपर्स में ग्लेशियर्स विच आर स्लोली मूविंग मासेज ऑफ आइस आइस का ही रूप है ग्लेशियर्स एंड आल्सो पार्ट इन द हाइड्रोसुफियर ये भी हाइड्रोसुफियर का पार्ट है 97 परसेंट जो अर्थ वाटर है वो सॉल्टी है और ओशियंस जो होते हैं वो सॉल्टी वाटर को कैरी करते हैं जो अर्थ का जो लेक्स और रिवर्स होता है वो कैसा वाटर कैरी करता है वो फ्रेश वाटर कैरी करता है द अर्थ टेम्परेचर इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइड्रोसोफियर और अर्थ का टेम्परेचर जो भी रेगुलेट होता है इस हाइड्रोसोफियर का भी एक बहुत बड़ा रोल है द वेरी लो टेम्परेचर आर एसोसिएटेड विद आइसबर्ग ग्लेशियर्स और आइस कैप्स तो अब हम इसको कैटेगराइज करें जहाँ पे बहुत कम वेरी लो टेम्परेचर जो एरिया होंगे वहाँ पे आपको हाइड्रोसोफियर किस रूप में मिलेगा आइसबर्ग ग्लेशियर और आइस कैप्स के रूप में और लो टू मॉडरेट टेम्परेचर आर एसोसिएटेड विद द कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन और यदि हम लो से मॉडरेट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे स्नो रेन ड्रीजल स्लीट्स के रूप में आपको हाइड्रोसुफियर दिखाई देते हैं एंड हाई टेम्परेचर में जाएँ तो वो ड्राई और हॉट होते हैं और कंडीशन में मिलेंगे हाइड्रोसुफियर और एवेपोरेशन होता होगा तो ग्लेशियर आइसबर्ग्स और आइस कैप्स को हम हाइड्रोसफियर के कलेक्टिवली रूप नाम भी दे सकते हैं क्रायोसुफियर तो ये है हमारे हाइड्रोसफियर्स के फॉर्म्स नेक्स्ट है बायोसुफियर जिसे हम लिविंग थिंग्स भी कहते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स इन द प्लान आर कैटेगराइज अंडर द बायोसुफियर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बायोसुफ़ियर्स की वो हम किस में कैटेगराइज करेंगे बायोसुफियर में इन दिस व्यू द बायोसुफियर इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम ऑफ अर्थ अर्थ में जितने भी एनिमल्स मिलेंगे प्लांट्स मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो सब बायोसुफियर में ही इंक्लूड uh, होते हैं ह्यूमन यदि हम एनिमल्स से अलग ह्यूमन को एक अलग कैटेगरी भी माने तो वो भी इसी ग्रुप में आती है द एंटायर इकोलॉजिकल कम्युनिटी विद इन द फिजिकल सराउंडिंग ऑफ द अर्थ आर विद इन अम्ब्रेला ऑफ लिविंग थिंग्स तो जितनी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं जो कि फिजिकल सराउंडिंग से घिरी हुई वो किसके अंडर आएंगी इस बायोसफियर्स की अम्ब्रेला के नीचे ही आती हैं दीज इकोलॉजिकल कम्युनिटीज जो होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं फिजिकल एस्पेक्ट से अर्थ के और फिजिकल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं हाइड्रोसफियर लिथोसफियर और एटमोसफियर से भी इंटरेक्ट करती है और आपस में भी ये इंटरेक्ट करती हैं तो इन सब को हम कम्युनिटी कहते हैं collectively these communities are made reference to as a biomes तो so, ये सारी communities बनाती हैं इनको हम biomes बोलते हैं ये biomes अर्थपित सिक्स टाइप्स के पाए जाते हैं डेजर्ट बायोम फॉरेस्ट बायोम्स ग्रासलैंड बायोम्स एक्वेटिक बायोम्स टुंड्रा बायोम्स एंड चपारल्स बायोम्स तो ये सिक्स मेन बायोम्स हैं बायो तो है, ये प्रेजेंट हैं बायोसफियर में द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर इन वेरियस वे तो लिविंग थिंग्स जो हैं ये अर्थ पे इंटरेक्ट भी करती हैं डिफरेंट वे में डिफरेंट वे में वे इंटरेक्ट करेंगी तो फूड चैन में ट्रॉफिक लेवल्स बनाती हैं जिसे हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे और इन्हीं ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ये सारा एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है इसे फूड चेन कहते हैं जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है तो ये आज हमने देखे अर्थ सिस्टम के दो सफियर हाइड्रोसफियर एंड द बायोसफियर नेक्स्ट वीडियो में हम नार्थ सिस्टम के दो और आ, बचे हुए सफ़ियर्स देखेंगे लिथोसफियर्स एंड एटमोसफियर थैंक यू